सो अभी हम बात करेंगे बजट के ऊपर। सो लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, एक बॉडी बिल्डर है, आया, खाया, पिया, पानी पुनी छोड़ा, नमक छोड़ा, स्टेज पे चढ़ा, पोज किया। क्या आपको पता है कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है? उसकी डाइट, उसके सप्लीमेंट्स, उसके रोइड्स, उसकी, अगर वो किसी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा है तो उसके ट्रेनिंग का खर्चा, वो सब चीज़ें कितना कितना एक्सपेंसिव वो पे कर रहा है, कितने उसको एक्सपेंडिचर पड़ रहा है, आपको आइडिया भी नहीं है। एक नॉर्मल इंसान एक दिन का कितना खर्च करता होगा? एक दिन का लेट्स से एक नॉर्मल इंसान 500 रुपये, वो भी मैं बहुत खींच के कह रहा हूँ कि 400-500 रुपये एक नॉर्मल इंसान खर्च करता होगा, जो कि हर कोई नहीं। तो एक जो नॉर्मल बॉडी बिल्डर है, मेरे हिसाब से उसका एक्सपेंडिचर, जो बिगिनर लेवल पे है, बिगिनर इनिशियली अभी बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे है, उसका एक दिन का खर्चा मेरे हिसाब से 1000-1100 रुपये होगा, विच इज़ मोर देन 30,000 पर मंथ। इतना उसका एक महीने का खर्चा है, वो मैं भी इनिशियली स्टेज पे बता रहा हूँ। आप खुद सोचो कि जितना आप ऊपर जाओगे उतना खर्चा बढ़ता रहेगा, उतना खाना, उतना सब कुछ आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे। सो हमेशा से ये ध्यान रखो, हमें क्या करना है, आपके माइंड में फोकस आपका होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको बॉडी बिल्डर बनना है, क्यों बनना है, इतना खर्चा है उसका, आप कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। आप वर्कआउट कर रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वर्कआउट करो, पर डाइट नहीं खा रहे क्या फ़ायदा उस चीज़ का? सारी मेहनत जो आप कर रहे हो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, समझो। सो मैं ये सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, पहले आप उस चीज़ को समझो, आप क्या करना चाह रहे हो, उसके पीछे देखो कि आप इतना खर्चा कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, या आप पहले उस काबिल बनो कि हाँ मैं इतनी मेहनत करूँ। देखो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो करते कुछ हैं, मतलब लेट्स से वो पूरा दिन मेहनत करते हैं, अलग जैसे किराने की शॉप पे बैठते हैं, अलग बिजनेस करते हैं, पूरा दिन अपना इनकम कमाई करते हैं, महीने की इकट्ठी करी कमाई, एंड फिर उनका पैशन वही है जिम, फिर वो जिम आते हैं और वो जितना उन्होंने अर्न कर रहा होता है उसमें से 80% 60% या 70% वो अपनी जिम के ऊपर लगाते हैं। तो उनका वो गोल सेट है कि हाँ उन्होंने कुछ करना है, तो वो यहाँ से कमा के वहाँ पे लगा रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सिर्फ लगाना जानते हैं, कमाएंगे कहाँ से? सो पहले आप कमाओ फिर लगाओ। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ आपको बॉडी बिल्डर बनना है। आप इनसे पूछ लियो इनका इनका क्या खर्चा है, मैं आपको लाइव एक बॉडी बिल्डर बैठे हैं तो मैं इनसे आप पूछो कि क्या है, क्या कितना खर्चा है। मेरा एक्सपीरियंस जो है एज ए प्रोफेशनल का, मेरा 50,000-60,000 पर मंथ का खर्चा है, विच इंक्लूडेड स्टेरॉइड्स, डाइट, फिश इतनी महंगी खाते हैं हम, रात की अलग डाइट, सुबह की अलग डाइट, एग्स और बहुत कुछ है जो इंक्लूडेड होता है, प्रोटीन आपका BCAA बहुत सब। तो मैं बहुत सारे लोगों को पहले पूछता हूँ, क्लाइंट होता है जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे या वैसे भी मिलता है, बिकॉज आपका गोल क्या है, मैं सबसे यही बात पूछता हूँ। इफ़ यू गो फॉर प्रोफेशनल, सो आपकी जॉब का आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, आपके ड्रीम है आपको फिटनेस मॉडल बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ भाई आप रहने दो, आप फिट रहो, सबसे पहले आप फिटनेस में जाओ। फिटनेस में क्या होता है कि आपको पूरे दिन के अपने मील्स ठीक करने हैं, जो कि आप 3 टाइम खाना खाते हो, आपको पता है कि 3 टाइम से कुछ नहीं होता, उसको मैं 5 या 6 टाइम करवाता हूँ, छोटे छोटे मील करवाता हूँ, ताकि उनकी बॉडी का फैट, प्रोटीन और कार्ब्स प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाए, फिर उसको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। देन मैं उसको प्रोटीन स्टार्ट करवाता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ जस्ट आपको प्रोटीन एंड BCAA स्टार्ट करना है, दैट्स इट, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कि बंदा अफोर्ड कर पाता है। अगर आपको प्रोफेशनल जाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपका परिवार भी है, लोग ये नहीं सोचते हमारा परिवार हमने उसको भी पालना है, तो 60,000 रुपये की सैलरी में बंदे को प्रोफेशनल कंपटीशन खेलना है तो मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ सर आप इस लाइन में मत घुसिए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू गो फॉर प्रोफेशनल, आपने अपना घर देखना है, आपने सब कुछ देखना है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, ये सिर्फ देखने में अच्छी लगती है यार, उसके ऐप्स हैं, वो TV पे अच्छा लगता है, वो ड्रीम बॉडी है, ये तो मेरी ड्रीम बॉडी है, मेरे को ऐसे बनना है, स्टेज पे चढ़ना। आप मानो कि जैसे मैं कॉम्पिटिशन खेलता हूँ 10-10, 11-11 हज़ार रुपये, तो उसकी फीस होती है वहाँ पे, अभी वो कितने लोग वहाँ पे खेल रहे हैं। अगर मैं मुंबई जा रहा हूँ यहाँ से चंडीगढ़ से, तो 8-10 हज़ार रुपये की टिकट है, फिर होटल का रहने का किराया, एटलीस्ट आप मिनिमम गंदे से गंदे होटल में भी रहते हो 2,000-2,500 होता है, तो आप खुद देखो 30-40 हज़ार रुपये को आपकी टिकट, आपका एक्सपेंसिव रहने का और आपका स्टेज का टिकट, एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने, कॉम्पिटिशन में सिर्फ अभी पार्ट लेने का राइट, वो तो बाकी जो आपने 3 महीने की प्रिपरेशन करी वो तो लग गया लाखों में, तो यही सिर्फ 40,000 रुपये खर्चा आ गया, और आप जॉब छोड़ोगे आप अलग से 7-8 दिन के लिए। सो ये ना ही आप मूर्खता करो, आप सिर्फ फिटनेस के लिए करो, ताकि आप फिट रहो, आपका फ्यूचर अच्छा जाए,
ताकि आप जब बूढ़े हो जाओ आपको बेंड होके चलना ना पड़े, या आपको ऐसे ना हो कि आप 50 साल के, या 30 साल के आप 50 के लग रहे हो, आप 50 के हो आप 30 के लगो, आप अपने अपने आप को फिट रखो, दैट्स इट। प्रोटीन नीड्स आपको, मुझे पता है कि इंडियंस की प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती, तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना प्रोटीन पूरा कर लो सर, इतना ही बहुत है आपके लिए, आपको प्रोफेशनल जाने की लोड नहीं। आपके मील्स आप अपने ठीक करो, आप अपने जितने भी काफ फैट गुड फैट प्रोटीन जो भी आप नेचुरली लेना पूरा करो, आप अपना फिट रहो, आपका वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको क्या लोड है प्रोफेशनल जाने की। और जो पैसे अच्छा है एक्सपेंसिव बहुत है, जो पैसे आप वेस्ट करते हो, ये खा लिया वो खा लिया है ना, आपने वो सब, वो पैसा एक अच्छी कोच पे इन्वेस्ट करो जो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा, जो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा। आप एक कोच हायर करते हो, आपके लिए वो खर्चा हो जाता है, बट आपके लिए वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी है, आप अपने ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। सो हमेशा से अपना बजट फिक्स करके अपना देखो कि आपको क्या करना है, ये दूसरों को देख के अपना वो सब, अगर हाँ अगर आपको बनना है आप वेल टू डू हो, अगर आपको हाँ बनना है, हम ये नहीं कह रहे कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में मत आओ, या बॉडी बिल्डर या मैन फिजिक, जो भी आपको कम्पीट करना है, जो भी आपका शौक है वो मत करो, बट मैं कह रहा हूँ अगर आप वेल टू डू, मतलब अगर आप कमा सकते हो तो आओ, और क्या पता आप हमारे इंडिया का नाम रोशन करो, क्या पता कि आप एक ऐसे लेवल पे ले जाओ इंडिया को, तो ठीक है, तो वो सब आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर। पहले यही पूछते हैं कि आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली करना है या आपको प्रोफेशनल जाना है। इफ यू गो फॉर प्रोफेशनल उसका प्रोसेस अलग है, इफ आपने सिर्फ बॉडी मेंटेन करनी है उसका प्रोफेशनल, उसकी चीज अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। तो आप प्रोफेशनल जाना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप करो, हम भी करते हैं इंडिया का नाम रोशन, आप भी करो, सो उससे ज्यादा ग्रोथ है। बट अपने आपको अपन तंग करके, आपका बॉडी का ड्रीम है कि आपने रैन डेरी बनना है, जैन दुनिया बनना है, और आप कह रहे हो कि मैं, मेरे घर पे बच्चे भी हैं, मेरे को सैलरी भी करनी है, मेरे को ये करना है, तो वो पॉसिबल नहीं। या देखो इंडिया का नाम रोशन करना है अच्छी बात है अगर आपका ड्रीम है, पर अपने घर वालों को तंग करके या अपने आप को तंग करके पैसे लगाना, ये तो कोई दिमाग वाली बात नहीं है। मोबाइल बेचते हुए, अपनी एफडी तोड़वाते हुए, अपना बाइक बेचते हुए, सो आई डोंट थिंक सो अच्छी बात है। सो आप हमें बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताइए, लाइक तो आप कर ही दोगे मुझे पक्का बता, और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें अगर बताइए कि अगली वीडियो हम किस चीज की बनाए, उसका क्या टॉपिक होना चाहिए।